जैसा कि अभी आपको मेरे से पूर्व व्यक्ता ने सब बताया कि पहली फिल्म 1913 में बनी थी दादा साहब फाल्के के हाथों, और इन 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा में बड़ी प्रगति की। बहुत ही होनहार, उजागर निर्माता, निर्देशक, कलाकार, संगीतकार, लेखक, सबको एक उत्तम दर्जा दिया भारतीय सिनेमा ने। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष हो गए, और जब ये शुरुआत के वर्ष थे उस समय सिनेमा जो था ये एक समाज में कई एक घरों में एक कोड़ की तरह माना जाता था। अच्छे घरों के बच्चे जो होते थे उनको वहाँ भेजा नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे सिनेमा ने अपना एक महत्व पाया, और अब देखिए कहाँ पर इस स्तर पर आ गया है जब देश विदेश में भारतीय सिनेमा का नाम रोशन हो रहा है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म उद्योग का एक छोटा सा सदस्य हूँ, जहाँ पर देश विदेश में हमारा नाम जो है ये एक तरह से माना जाए तो पैरेलल कल्चर बन गया है हमारे देश का। 5000 वर्षों का हमारा इतिहास है भारतवर्ष का, और पता नहीं कि ये सही कहना उचित होगा कि नहीं, लेकिन कई मानों में लोग भारतीय सिनेमा के व्यक्तियों को और भारतीय सिनेमा के बारे में ज़्यादा जानते हैं बजाय यहाँ के अन्य लोगों को, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे लिए आज के दिन जो सबसे गर्व की बात है वो ये कि आज मैं जिस जगह जिस स्थान पर ये आज समारोह का आयोजन हो रहा है इसका नाम है षण्मुखानंदा हॉल। कई साल पहले जब मैं 60 और 70 के दशक में यहाँ आता था तो यहाँ पर फिल्म अवार्ड्स की एक सेरेमनी होती थी, जहाँ पर अब तो बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज हो गए हैं और बड़े बड़े स्थानों में होते हैं, लेकिन उस समय फिल्म फेयर अवार्ड होता था वो यहीं होता था, और इसी मंच के ऊपर जिन लोगों की सराहना की जाती थी उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता था। मेरे लिए आज ये बड़े गर्व की बात है कि इसी मंच के ऊपर मैं एक कलाकार उन लोगों को सम्मान कर रहा हूँ जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, और इसका श्रेय जाना चाहिए राज साहब ठाकरे जी को, इनकी संस्था को, कि उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, राज साहब आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, और यदि मैं फिर से दोहराता हूं कि यदि मेरी आवश्यकता किसी भी ऐसे नेक काम में पड़ी तो मैं अपने आप को यहाँ अवश्य हाजिर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।